दोस्तों अगर आप भी शाकिब अल हसन की बेईमानी को देखकर दुखी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश की टीम की जीत से शाकिब अल हसन पर दिया पाकिस्तान के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में बांग्लादेश को जीत मिली है, जिसके बाद शाकिब अल हसन की बेईमानी ने नया विवाद पैदा कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान के दिग्गजों ने शाकिब अल हसन को लेकर बयान जारी किया। इस दौरान वसीम अकरम, रमीज राजा से लेकर शोएब अख्तर ने शाकिब अल हसन को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार शाकिब अल हसन पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शाकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज के बीच विवाद खड़े कर देने वाले विकेट में आपके अनुसार कौन सही था और कौन गलत, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच दिल्ली के मैदान पर हाई वोल्टेज मैच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 279 रन ऑल आउट होकर बनाए और उनका पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने 41.3 ओवर में लक्ष्य को 7 विकेट खोकर 3 विकेट से हासिल कर लिया। इस बीच मैच में काफी विवाद पैदा हुआ, जहां पर पारी के 25 ओवर में बल्लेबाजी करने आए श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज समय पर गेंद नहीं खेल पाए, जिसके चलते उन्हें आउट करार दिया गया। दरअसल एंजेलो मैथ्यू के हेलमेट में दिक्कत आने के कारण उन्होंने गेंद को खेलने के लिए ज्यादा समय ले लिया और 2 मिनट से ज्यादा समय लेने के कारण शाकिब अल हसन की अपील पर एंजेलो मैथ्यू को आउट दिया गया, जिसके बाद एंजेलो मैथ्यूज काफी निराश दिखाई दिए। इसके बाद अब पाकिस्तान के दिग्गजों ने शाकिब अल हसन की इस घटिया हरकत को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यू के साथ जो कुछ भी किया है वो गलत है। मेरे अनुसार शाकिब अल हसन को इस बारे में माफी मांगनी चाहिए और ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खेल भावना को काफी ज्यादा आहत किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि एंजेलो मैथ्यूज भी अनुभवी खिलाड़ी हैं और उसी तरीके से शाकिब अल हसन भी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। ऐसे में उन्हें क्रिकेट के खेल भावना को बनाए रखना चाहिए था, लेकिन शाकिब अल हसन ने जो कुछ भी किया है वो क्रिकेट के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा गलत है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर माफी मांग लें। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि एंजेलो मैथ्यू के साथ शाकिब अल हसन ने जो कुछ भी किया है वो काफी ज्यादा गलत है। मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट को आप हमेशा से खेल भावना के साथ खेलें, क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन का खेल है। ऐसे में इस तरीके की भावना मैदान पर लाना काफी ज्यादा गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि कप्तान शाकिब अल हसन को यह मालूम होना चाहिए कि इस मैच का कुछ खास असर वर्ल्ड कप में नहीं पड़ने वाला था। ऐसे में उन्हें नियमों को भूलकर खेल भावना को ध्यान में रखना चाहिए था। यहाँ पर उन्होंने मैथ्यूज को आउट कर क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। मैं चाहता हूँ कि वो मैथ्यूज से जल्द माफी मांग लें। तो वही शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि एंजेलो मैथ्यूज और शाकिब अल हसन के बीच जो मोमेंट हुआ वो काफी ज्यादा विचार करने वाला मोमेंट है। शाकिब अल हसन के अनुसार उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि क्रिकेट में अगर नियम बनाया है तो इसका पालन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शाकिब अल हसन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि नियमों के अनुसार तो शाकिब अल हसन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर खेल भावना को ध्यान में रखकर शाकिब अल हसन को इस तरीके से आउट नहीं करना चाहिए था। इसके विरोध में मैं भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि शाकिब अल हसन एंजेलो मैथ्यूज से जल्दी माफी मांग लें। तो वहीं रमीज राजा ने बयान देते हुए कहा कि शाकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज के बीच जो कुछ भी हुआ है वो काफी विचार कर देने वाला मोमेंट है और यहाँ पर विचार होना चाहिए। मेरे अनुसार ICC के यहाँ पर काफी बड़ी नाकामी है। हालांकि नियम में साफ लिखा है कि बल्लेबाज अगर देरी से आता है तो उसे आउट करार देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंजेलो मैथ्यू की मजबूरी समझकर शाकिब अल हसन को अपनी अपील वापस लेनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में नियमों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए था और खेल भावना को ऊपर रख शाकिब अल हसन को एंजेलो मैथ्यू को मौका देना चाहिए था। आज जो कुछ हुआ है वो काफी गलत है और इसके पूरे विरोध में मैं भी मौजूद हूँ। तो दोस्तों शाकिब अल हसन की बेईमानी को देख आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।